जिंदगी ऐसी झंड चली है। मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूंगा व्लॉगिंग करना। ये देखो भाई गाड़ी देखो, तो ये देखो। एक तो भाई यहाँ पे खेलने के लिए जाने के लिए ऐसा लगता है कि उतरना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कल थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, बट अब थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। थोड़ी सी मेडिसिन खा ली थी और मैं सो गया था भाई बढ़िया से। और आज तो भाई बढ़िया धूप निकली हुई है। कल मैंने ब्लॉग देखा होगा तुमने, कल थोड़ा लेट आया था मेरे को पता है भाई, बट ठीक है यार, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई। नींद भी है, सोना भी है, तबीयत भी खराब होती है, तब भी ब्लॉग कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो एक लाइक भाई। आज का सीन ऐसे है कि अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉग वाला खत्म करा था, तो अभी उठाऊँ मेरे को भूख लग रही है। मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, चल रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, मेरे को बाहर भी जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ मैगी खा लेता हूँ, मैगी खाऊंगा, मैगी बनाऊंगा बढ़िया से। सोच रहा मैं को ये करना है वो करना है, वैसा कुछ भी नहीं होता भाई। अब जो होता है रैंडम ही होता है, और साथ में तुम लोग देखते ही हो भाई, क्या बताऊँ मैं तुमको। वैसे एक्स्ट्रा भी क्या तुमको कि और कैसे शक्ल से लग रहा हूँ, क्या बीमार हुआ है? नहीं लग रहा ना शक्ल से, लगता तो हूँ कभी कभी लगता हूँ, बट ऐसे हर रोज तो लगता हूँ। आज तो धूप निकली, आज तो मौसम थोड़ा ठीक है, बट मेरे को लगता नहीं ज़्यादा देर तक ठीक रहेगा क्योंकि बादल आ रहे हैं। बादलों ने भी अलग ही दुख दिया भाई, बाकी देखो हमारा ठीक लगता है, ऐसी कोई चीज नहीं। अभी मैगी बनाता हूँ, मैगी खाता हूँ। अब थोड़ी देर इसको रखूँगा, ऐसी हो जाएगी वैसे तो। बाकी तो अच्छा, जो वाला ऑन करना था वो वाला तो ऑन ही नहीं कर रहा। एक चीज़ कमेंट करके बताना तुम लोगों को सच में मज़ा आ रहा है ब्लॉग देखने में कि नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मेरा कभी कभी मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ मैं ब्लॉगिंग करना, क्योंकि भाई मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैंने ठीक, मतलब मेरे को तो ठीक लगता है भाई, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसे रिकॉर्ड करना, सब कुछ डालना है सब ऐसा, क्योंकि मेरी इच्छा थी। बट अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हें ठीक लग रहा है देखने में कि नहीं लग रहा भाई, तुम कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ऐसा कोई सीन है, तुम्हारे भाई के ब्लॉग रहते हैं बिल्कुल रॉ नॉर्मल, ठीक है अच्छे ब्लॉग रहते हैं। अभी यहाँ मैगी बन रही है, यहाँ बैठा हुआ मैं, जैसे उबलेगा वैसे ही खुश उबलेगा बढ़िया, फिर उसके बाद जाऊँगा भाई बाहर, फिर देखता हूँ जल्दी कैसी नहीं। वाओ, तुमको मैंने बोला था ना कि भाई मौसम का कुछ पता नहीं, अभी धूप थी ना 2 सेकंड पहले, ये देखो कहाँ गई धूप भाई, धूप का कुछ पता नहीं है। ऐसे होता है भाई, 2 मिनट के लिए धूप थी तो छाया, जिंदगी भी ऐसी है कभी धूप है तो कभी छाया। लल्ला लल्ला हो गया भाई तुम्हारा बहते यार। तो अभी का प्लान ऐसे कि अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को रास्ते में अच्छी भाई और विश्व भाई मिल जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या प्लान करते हैं। बाकी मौसम तो भाई मेरे को लग रहा था धूप है, बट हल्के मतलब बादल है भाई, तो धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, और यहाँ तुम्हारा भाई मौसम कुछ ऐसा है। अभी चलते हैं, 8 मिनट में मेरी बस है भाई। भाई मैं तुमको कल का सीन बताता हूँ, कल मेरे साथ क्या हुआ। कल भाई मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, ठीक है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चली है इस टाइम, वो लगवाता है कि सब सारी चीज़ों को हटा के भाई खुशी की तरफ ध्यान देता है, खुशी मतलब हैप्पीनेस ठीक है, तो उसकी तरफ ध्यान देता है। तो ये चीज़ ठीक है भाई, क्योंकि लाइफ में तो भाई दुख तो होगा ही ठीक है, बट उस दुख को टैकल करके खुशियों की तरफ भागता है तुम्हारा भाई। ये सीन है भाई, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ मिल रही है तो लो, क्योंकि भाई लाइफ का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर रहा था ना, मेरे को ज़्यादा कुछ मन कर रहा था व्लॉग करने का। कल तो मेरे दिमाग में ऐसा भी आ रहा था कि भाई व्लॉगिंग छोड़ ही देता हूँ, बट फिर मैंने सोचा मैं क्या क्यों यार ऐसे उदास हो कि तू व्लॉगिंग छोड़ देगा तो कैसे चलेगा, मतलब क्या बात है ये, ऐसे क्या तू कावर्ड है, डरता है क्या, डरपोक है क्या। अपने आप से बात करके खुद को मोटिवेट करा मैंने, तो फिर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगा गाइस। तो ये सीन अभी करते रहूँगा जब तक मेरे से होगा भाई, मैं करूँगा ठीक है, तब तक कर सकते जब तक अपने से होता है। बट एक लिमिट आती है ना जब कि नहीं हो पा रहा है, फिर जब पता ही है कि नहीं हो पाएगा तो फिर उस टाइम क्या कर सकते हैं। बाकी तो कोई सीन नहीं, मौसम देखो धूप आ रही है, बात करते करते बीच बीच में जा रही है भाई। यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, 2 बसें बदलने के बाद मैं यहाँ पहुँच गया और वो लोग अभी भी नहीं आया भाई। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है भाई, कभी कभी मैं जब जल्दी पहुँच जाता हूँ तो कोई भी नहीं आता, इसलिए भाई हमेशा लेट ही आता है भाई, लेट आना ठीक रहता है। ये देखो कौन आया, ये देखो कैसे हो गए, ऑल गुड। आप तो भाई ठीक, शेट शूट पहन के आए हो, क्या सीन है आपका? फिर क्या प्लान है, कहाँ जाना है भाई, आपको पता है कुछ? नहीं भाई, इधर आने के बाद तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा क्या करते हो भाई, मौसम ठीक है भाई आज क्यों? ये देखो भाई मैं आज ये छाती होती है मौसम ये वाली, तो बढ़िया भाई बातचीत करो इससे। जंकी मतलब वो अच्छा हाई रहती है, तो हाई तो लगी रही है वैसे भी बैठे बैठे। डिप्रेशन है भाई, इसमें दिमाग में बैठी है, गोरी है नशे में। चलो भाई आ गए भाई, मैं कार टाइप करे अगर कुछ सीन हो गया फिर कोई नहीं, कुछ नहीं ना देखा जाएगा, सीन देखा जाएगा बस भाई, नहीं हो रहा है देख ही तो रहे हैं सब अभी तक, इससे वही बात है, इससे बुरा क्या ही होगा।
यहाँ खड़ गए पीछे भाई, ऊपर गए भाई, यहाँ उतर गए हम। 20 मिनट का सफर हमारा, अब यहाँ से अपने को 20 नंबर बस पकड़नी। ये देख लो भाई मौसम कैसा है आज, ये कुछ ऐसा ऐसा है। ये वाला पार्क एक बार हम स्टार्टिंग उस पार्क में गए थे, तो वही वाला रास्ता ही है भाई। यहाँ पे पहुंचे अभी हम, अंदर गए हुए रत्ना मिल गई थी अपने को रास्ते में, और अर्चित भाई गए अंदर वो कॉफी लेने, और यहाँ पे मैं और विष्णु भाई खड़े हैं, इसको बिल्डिंग को देख रहे हैं पीछे बिल्डिंग है। रत्ना तो भाई रैंडमली मिली है सबने को, चलते चलते मिली है, फिर हमने बोला उसको कि चलो। ये देखो भाई हल्की हल्की धूप आ रही है क्या, अगर उसको नहीं बताते तो भी उसको व्लॉग में पता चल जाता, पता तो चल ही जाता भाई। छुपाने से आप तो वही है जिंदगी में, कुछ छुपा नहीं सकते आप, जो भी दिखता हुआ व्लॉग में तो दिख ही जाता है सबको, सबके लिए हम ऐसे बन चुके हैं अब कि क्या कर रहे हैं भाई, चलो व्लॉग में देखते हैं खोलिए क्या क्या कर रहा है भाई। ऑब्वियसली है ना, पता लग जाता होगा बंदों को ना क्या चल रहा है, लेक्चर अटेंड किया नहीं किया, वही है भाई जिंदगी ऐसी झंड चली है। तुम लोग देख रहे हो और भी मेरी झंड जिंदगी, तो अच्छी बात है भाई। देखो देखो मेरे से बुरा, बंदे देखते होंगे मेरा व्लॉग और सोचते होंगे चल इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इससे बुरा क्या ही क्या होगा, ही होगा। और हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है भाई। प्यारी धूप पड़ रही है ना सामने से, जो चली गई धूप भाई, जब भी मैं बोलता हूँ ना धूप पड़ रही है सामने, धूप ही चली जाती है। तो लगता है माहौल जैसा कि हाँ भाई डाउन टाउन में घूम रहे हो, फॉरेन में लग रहा है। हाँ थोड़ा लगता है फॉरेन जैसा, इधर सब नहीं वाला आपने बोला है, लड़कियाँ दिख रही है वही है। ये देखो भाई है तो बढ़िया वाइफ अच्छी है, आपको वही बात ना, आपको पता है जब कटता ही कुछ नहीं है, सिर्फ गालियाँ कटती है, गालियाँ आप इतना भाई इतनी ज्यादा गालियाँ काटनी पड़ती है ना, बट चलो कोई बात नहीं है, एक टाइम आएगा जब गालियाँ भी नहीं काटूंगा, फिर वो घर से गालियाँ पड़ेगी, बट कोई नहीं भाई यूनिवर्सल ऐसे चलते रहता है, तुम लोगों को पता ही है भाई, दोस्त आपस में बात करते हैं तो गालियाँ तो आती आती है। ये देखो भाई गाड़ी देखो, फरारी अभी रेव करेगा भाई, बंदी चला रही है और भाई बंदी है, हाँ बंदी है सच है भाई, चल चल कर रेव। ये देखो गाड़ी पुलिस वालों की, सेक्सी गाड़ी है आज की भाई, फेडरिक मॉल है। मेरे को लग रहा था भाई कुछ बहुत बड़ा सा मॉल होगा, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है। स्पीड क्वेस्ट, ओ भाई यहाँ भी गो कार्टिंग कर सकते हैं आप भाई, गो कार्टिंग है, खेल सकते हैं। ओ स्नूकर है, स्नूकर क्या भाई, वही बच्चों वाली गेम है खेलनी है, गो कार्टिंग करवाता हूँ आपको, चलो। स्नूकर का खेलना भी आता था भाई, भूल चुका हूँ कैसे खेलते है, मेरे तो शुरू होते ही खत्म हो गया। रत्ना भी चली गई भाई क्योंकि रिंकल नहीं है, यहाँ नहीं आया भाई, इस साइड नहीं आया। रत्ना भी चलेगी क्योंकि रिंकल नहीं आई थी, तो फिर वो भी चलेगी, अब क्या कोई सीन नहीं है। अभी देखते हैं, अभी हम तीन लफंटर यहाँ पे घूम रहे हैं। लफंटर, यू डोंट नो व्हाट इज लफंटर, लफंटर मतलब वेले लोग, वेले ही गाइस। अभी हम यहाँ पे देखो, ये देखो भाई, तो शुरू होते खत्म हो गया भाई। भाई पूछो इनको क्या सिरक किधर ले आए वो। अच्छा इसके ऊपर वाला फ्लोर भी है, वो है देखो, वो है स्पीड क्वेस्ट लिखा हुआ है, पूछते हैं उसमें क्या सीन है, इनकम टैक्स से इतना बड़ा लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही होती है गो कार्टिंग, और आपको अरे पता है, ये देखो भाई छोटे नहीं है भाई, काफी बड़ी है, हम भी कर सकते भाई, चलाने में मजा आता है इसको, पता है आपको, एक बार आप बैठोगे ना। क्या बोला इसने, इसके लिए गो कार्टिंग करने का मन हुआ वो नहीं करी हमने, फिर बॉलिंग करने का मन हुआ वो नहीं करी हमने, फिर हम घुमा फिरा के फिर से गो कार्टिंग में आए, बट आज का दिन ही फ्री नहीं था, पर ऊपर से $18 था पर पर्सन। $18 कितने हुआ भाई इंडियन, उसमें क्या हमने गो कार्टिंग कर ले, बहुत बार कर, बहुत बार कितनी बार, बहुत बार कर, आपने नहीं करी ना अभी मेरी तरह, मतलब ऐसी है भाई सारा प्लान चौपट हो गया। स्काई डाइविंग के लिए दुबई जाना पड़ेगा भाई, मेरे को दुबई करना है भाई, सारे प्लान कैंसिल कर दिए, एट लास्ट हम तीनों जा रहे हैं कॉलेज, अब कॉलेज में आके थोड़ी देर टीटी खेलेंगे भाई, और कुछ ऑप्शन ही नहीं थी भाई। देखो धूप पड़ रही है सामने से, बढ़ावा चल रही है, तो ठंडी ठंडी लग रही है। यहाँ पे अर्चित भाई खड़े हैं, यहाँ विष्णु भाई खड़े हैं, और मेरे पीछे भाई बाइक वाला है, अगर आपको दिखेगा वो देखो पीछे बाइक वाला, उसको उसके पास जाके बोलता हूँ रेव करके दिखाया, देखो बेचारे से भगा, यहाँ पे भगा भी नहीं पा रहे बंदे भाई, वो देखो भाई गाड़ी देखो, यहाँ पे भाई अलग अलग गाड़ियां दिख रही है, निशान
निसान मित्सुबिशी की नहीं देखी कौन सी लेंसर लॉन्च हुई वो जो पुराना मॉडल था उसका नया मॉडल लॉन्च हुआ। अच्छा वो कुत्ता भाई दो दो कुत्ते रखे हुए गाड़ी में धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ऐसे सोचा था नहीं कि आज कुछ करेगी इंटरेस्टिंग बट जितनी बार भी सोचते इंटरेस्टिंग करेंगे कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है। बच्चों की सीट होती है जैसे छोटे बच्चों को बिठा के रखा है छोटे बच्चे को बैठते ऐसे वैसे प्यारी सी सीट है इसमें ऐसे भी आ सकते हो आगे थोड़ा सा झुको भाई अब पहुंच गए रिक्रिएशन भाई फिर से घुमा फिर आगे इतना घूमे बजे पागलों की तरह और यहाँ पे आके वापस लेकिन हमारे लिए यही है क्या हम भाई यही है अपने लिए जब तक ये कर ही कर सकते हैं बहुत अच्छा है एक्सेस की बात है जब मिल रहा है अपने को ठीक है इधर से ग्रेजुएशन होकर उसके बाद भी चलता है नहीं भाई जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी तो वन कार्ड थोड़ी चलेगा अब वो आपके ऊपर है ये चलाना ही है आपको अगर दम लगाना ही है ये तो भाई तो ऐसी बात कर रहे जैसे एक बार एडमिशन ले लिया लाइफ टाइम का एक्सेस मिल गया बस वही है ऐसे क्या सोचते हो भाई आप कुछ भूल ले यार पब्लिक है बैडमिंटन बुकिंग है क्या नहीं भाई मैं देख रहा था अभी बस मैं आता हूं बुकिंग 6:45 पे देने को कहा है आज अकेले हो आप मैं तो अकेला ही हूं बस तो हम हैं हो गए पूरे हम बंदा नहीं आना चाहिए कैसे भी करके जब बंदे को गायब करो 6:45 अभी का टाइम हुआ है 30 आ भी सकता है भाई अगर बंदे ने बुकिंग कराई होगी तो पर कैंसिल कर देंगे ना उसको बोल देंगे ना भाई एक मिनट बैडमिंटन दियो 10 मिनट के लिए तू बाहर जा ये बड़े धनंजय भाई मिले अपने को भाई कैसे हो आप बहुत बढ़िया हम तो बढ़िया रहते हैं भाई अभी देखते हैं भाई यहाँ पे टीटी खेलेंगे या तो बैडमिंटन खेलेंगे ऐसा वॉलीबॉल नहीं खेलना बंद हो गया ड्रॉप इन हो गया स्क्वैश का होगा खत्म हो गया स्क्वैश स्क्वैश नहीं खेलना खेलने के लिए जाने के लिए ऐसा लगता है कि उतरना पड़ेगा गहराई में जाने ये तो है गुफा सी भाई यही से तो अंदर यही तो खेल लेंगे आप चलो 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 शाबाश शाबाश भागो भागो ऐसे भी नहीं कर रहा था ए कुछ पीछे से चुपते है क्या आपके एकदम जो ऐसे भाग जाते हो कुछ भी कर रहे होते हो ओ गई आगे 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 भाई आगे 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 मैं निकल इन रहा है तो खोलने का सबसे आसान तरीका पता क्या होता है देखो ऐसे ऐसे जो एक्सपर्ट होगा वही खोल पाएगा चल 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 हटो खोल लो ना भाई ढंग से यू आर गुड विद फिंगर्स दूसरा बड़ा वाला बैट तो उन्होंने ये है भाई देना जरा अपना रैकेट घर ही जाना है अभी घर ही जाना है घर ही जाएंगे घर जाने से हमारा गिरदी करने के बाद अब जाएंगे घर पर घर जाने का भी मन नहीं करता भाई घर पे भी क्या ही करना है जब तक घर पे होता हूँ तब तक मन करता है कि घर पे रहूँ जैसे बाहर निकलता हूँ तो मन नहीं करता घर पे अंदर जाने का बाकी अभी तो कॉलेज पहुँच गया रश नहीं है वैसे आज उतना तो भाई मेरी बस के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होती है ना अब कुछ नहीं करेगा भाई लगाएगा ईयरफोन कान में और सुनेगा गाने बढ़िया ठीक है मौसम ये लाइन देखो भाई तुमको ना मौसम दिखाता हूँ मैं ये देखो ओहो सुंदर सुंदर मौसम है भाई ये सीन था भाई आज का दिन तो हो गया ख़त्म ठीक है हमने सोचा था कि आज हम कुछ अलग करेंगे बट कुछ नहीं कर पाए हम तो कोई सीन नहीं है भाई साइड देखो सनसेट हो रहा है अभी तो भाई मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है बैटरी नहीं सॉरी स्टोरेज ख़त्म हो जाती है फिर मेरे को पुरानी क्लिप सारे डिलीट करनी पड़ती है फिर उसके बाद मेरे को जो रिसेंटली डिलीटेड होता है वो वाला वहाँ से भी डिलीट करनी पड़ती है तो ये अलग अलग दिखते हैं भाई छोटी 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 मोटी दिखते आती रहती है लाइफ में ठीक है बट कोई चक्कर नहीं हार नहीं माननी है हर रोज़ तुमको लगेगा ऐसा कि तुम्हारी फटी पड़ी है तुमसे कुछ नहीं होगा बट ऐसा कुछ नहीं है आज तुमको ऐसा लग रहा है तो कल अच्छा होगा बट वही बात है कल किसने देखा तो परसों अच्छा होगा तो ऐसा टेंशन नहीं आज अच्छा नहीं है कल अच्छा नहीं है परसों अच्छा होगा 22 दिन हो गए कंटिन्यू व्लॉगिंग करते हुए मतलब 22 दिन से कंटिन्यू व्लॉग्स डाल रहा हूँ मैं भाई ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट लाइक सिर्फ 70 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में और मैं को सच बता रहा हूँ ना भाई जिस दिन मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना भाई उस दिन मेरे को एक अलग सी खुशी होगी मतलब एक अलग लेवल वाली खुशी होगी ठीक है
कर दोगे तुम लोग, मेरे को पता है वो भी। अभी तक कब से हो गए होते 3000 सब्सक्राइबर, बट वो ये ना मैंने सबको बोलना छोड़ दिया है, सबके साथ शेयर करना छोड़ दिया है। पहले मैं बोल के शेयर करवाता कि भाई शेयर कर दो मैंने व्लॉग डाला है उसको देखो, ये करो वो करो, अब नहीं भाई करता। सांस भी फूल रही है भाई नीचे की चढ़ाई चढ़ के, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं होता भाई किसी को बोल के कुछ भी, क्योंकि बंदे ने तभी करना होता है मन करता है। ये समझ नहीं आ रहा यार, खाना मैं एक टाइम खा रहा हूँ, दिन में पतला हो जा रहा हूँ, पर फेस क्यों मोटा हो रहा है भाई? ये देखो चाइनीज जैसा, ऐसे हंसूंगा ना ही तो चाइनीज जैसा लगूंगा, पता नहीं भाई क्या सीन है। बाकी तो और तो सारे सीन बढ़िया है भाई। ये देखो ऐसे शुगर पोटैटो की तरह शक्ल होगी मेरी, नज़र मत लगाना, नज़र लग भी जाएगी तो कोई सीन नहीं, अपने सब भगवान है। कोई भी बुरी नज़र लगाएगा या कोई भी गलत सोचेगा मेरे बारे में तो भाई तुम्हारी भी फटेगी, एक चीज़ याद रखना। इसलिए किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, जो है मुंह पे बोलो बट किसी का बुरा मत करो भाई। तो आई होप आप सबको बड़ा ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी कौन है ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।